श्री राधे, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण ने अवतार क्यों लिया है। हालांकि ये कुछ श्लोक आप भी जानते होंगे, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो वो चीज़ हमारे हृदय, दिल और दिमाग में बस जाती है। और भगवान कृष्ण यही चाहते हैं कि तुम बस मुझे अपने दिल में, दिमाग में बसा लो, मेरी बातों को बसा लो। तो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, आप भी श्लोक को याद करना। और उसके बाद कुंती जी ने बताया है, वो भाव भी मैं आपको बताऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं प्रीत्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, जब जब इस दुनिया में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने साकार रूप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधुनाम, किसके लिए? साधुओं की, भक्तों की रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की भली भांति संस्थापना करने के लिए। संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं कब कब आता हूँ, अधर्म का नाश करने के लिए, साधु पुरुषों के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए। कुछ लोग कहते भी हैं कि अरे इतना आज के समय गलत काम होता है, तो भगवान कहाँ हैं, क्यों नहीं प्रकट होते? तो इसका जवाब मैं दूँ, कलयुग भी अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, क्योंकि ये कलयुग के भी लक्षण हैं। इससे बचने का तरीका भगवान का नाम है। सीधी सी बात है कि जब अधर्म की चरम सीमा होगी, तब भगवान दोबारा आएंगे और ये कलयुग सतयुग में बदलेगा, ऐसा आया है। लेकिन हम जैसों के लिए तो कृष्ण कथा, सबके लिए भगवान की कथा, भगवान का नाम काफ़ी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान का अवतार क्यों हुआ है। श्री कुंती जी जब भगवान कृष्ण की स्तुति करती हैं और कहती हैं कि हे गोविंद, अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मुझे दुख दे दे। ये स्तुति मैंने पहले भी डाली है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब स्तुति करते करते कुंती भगवान की बाल लीलाओं को याद करने लगी है। जब यशोदा ने कृष्ण को माखन चुराने पर, मटकी फोड़ने पर उखल से बांध दिया था, उसके बाद कहती हैं कि केशव, आप अजन्मे हो, मतलब आपका जन्म नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपने जन्म लिया है, इसका क्या कारण है? तो वो कहती हैं कि कोई कोई महापुरुष कहते हैं, जैसे मलियाचल की कृति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है ना, वैसे ही अपने प्रिय भक्त राजा यदु की कृति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। कहती है कि कुछ लोग कहते हैं वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में, वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी इस रूप में थे और उन्होंने तपस्या की थी, और तपस्या करके भगवान से कहा था कि प्रभु, हमें आपके जैसा ही बेटा चाहिए। तब भगवान बोले थे कि माँ, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तो बोले, आप ही आइए। तो कृष्ण बोले, ठीक है, मैं ही आऊँगा। तो तीन जन्मों तक भगवान ने इनके गर्भ से अवतार लिया था। फिर कुंती जी कहती हैं, आप अजन्मा हो, लेकिन जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके बेटे बने हों। फिर कहती हैं, आप जब ये पृथ्वी काफ़ी दुखी थी, दैत्यों के भार से डूबी जा रही थी,
जैसे एक समुद्र में कोई जहाज डगमगाए, ऐसे ये पृथ्वी पीड़ित हो रही थी। तब इन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की और उनका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए हो। वो कहती हैं, कुछ महापुरुष कहते हैं कि जो लोग संसार में अज्ञान, कामना, कर्म के बंधन में जकड़े और पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए देखिए, हम सब अज्ञानी हैं, हम सब के अंदर बड़ी कामना है और हम सब कर्म के बंधन में जकड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए यानी हम सब के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। मतलब भगवान को याद करना और उनकी लीला का विचार करना, इसलिए आपने अवतार ग्रहण किया है, क्योंकि आप अवतार लेके लीला नहीं करते तो हम जैसे दीन लोग कहाँ जाते हैं। आपके चरित्र को सुनने से, गान करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से भक्त आनंदित होते रहते हैं। वे भक्त आपके चरण कमल का दर्शन करते हैं और जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देते हैं। तो श्री कुंती जी ने भगवान के अवतार लेने के ये सब कारण बताए हैं। मुरारी बापू कहते हैं कि एक बुद्ध पुरुष अपने आश्रितों के लिए अवतार लेता है, तो भगवान कृष्ण ने और किसी के लिए नहीं, हम जैसों के लिए ही अवतार लिया है। अब मैं यहाँ पे एक अपना भाव रखना चाहूँगा कि कृष्ण अवतार क्यों हुआ, तो मेरा दिल जो कहता है कि ये कृष्ण का अवतार तो सिर्फ और सिर्फ केवल श्री राधा रानी के लिए हुआ है। मेरा दिल तो ऐसा कहता है कि किशोरी जी के लिए ये अवतार हुआ है। बाकी सभी भक्तगण अपने अपने अनुभव से, अपने अपने ज्ञान से, जो जो उन्होंने संतों से सुना है उसके अनुसार वो बताते हैं कि कृष्ण ने क्यों अवतार लिया है। अर्जुन को पूछोगे तो कहेगा कि मेरा सखा बने हैं इसलिए अवतार लिया है, नहीं तो मेरे सारथी कौन बनते, मेरे सखा कौन बनते। सुदामा से पूछोगे तो सुदामा जी भी यही कहेंगे, और मीरा से पूछोगे तो मीरा तो कहेगी कि कृष्ण ने अवतार मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा होने के लिए लिया है, मेरे पति होने के लिए लिया है। गोपियों से पूछोगे तो गोपियाँ कहेंगी कि कृष्ण ने केवल प्रेम दिखाने के लिए अवतार लिया है, कि हम प्रेम को जाने, प्रेम कैसे किया जाए ये जाने। साधु संत कहेंगे कि हमारा उद्धार करने के लिए अवतार लिया है, और भगवान को खुद पूछा जाए तो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए अवतार लेता हूँ। तो ये भगवान कृष्ण के अवतार के कुछ कारण, जिस पे मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार के ये कारण आपके सामने मैं लाया। आगे भी कुछ श्लोक, कुछ कथाएं, कुछ अच्छी अच्छी जानकारी मैं आप तक लाता रहूँगा। अगला वीडियो आने तक आपको मेरा प्रणाम। जय सियाराम, जय जय श्री राधे।